कन्नौज में पार्टी कार्यालय में शनिवार को हुए महिला सम्मेलन में अखिलेश यादव के सामने एक युवक ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अखिलेश ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि भाजपा वाले से जान का खतरा है। दरअसल सम्मेलन के दौरान अचानक पहुंचे एक युवक ने उनसे सवाल किया और अखिलेश के बुलाने पर वापस नहीं आया। इस पर मौजूद लोगों से युवक को दबोचने की कोशिश की तो युवक धक्का मुक्की करने लगा। मंच पर मौजूद अखिलेश ने पुलिस से बीच बचाव करने को कहा और मंच से ही आरोप लगाया कि दो दिन पहले उनके मोबाइल पर एक भाजपा नेता ने धमकी दी थी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे भाजपा वालों से खतरा है। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये ना समझे कि अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके हमारी चुनावी जनसभा खराब कर सकते हैं कार्यक्रम, वो भी कन्नौज में कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना। अगर उनकी हरकत ये रही, सुधार नहीं हुआ, लोकतंत्र में ये परंपरा नहीं अगर अपनी बदली, तो वो भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, ये ना समझे वो लोग। जो तेवर थे वो हम लोगों ने तेवर थोड़े कम कर दिए, कोई नहीं हो सकता। और मैं इनसे कहूंगा कितने चार तुम्हारे अंदर क्यों था शिवो ने क्या है यहाँ कैसे गया यहाँ पर कैसे आ गया यहाँ पर बैठा हुआ जा नहीं सकता है थाने में आपकी सुरक्षा में कैसे आ सकता है आपके अंदर क्या कर रहे थे आप क्या कर रहे थे यहाँ से जा नहीं सकता है वो